आफ्टरनून, सो हम लोग अभी इको पार्क जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे हर एक वीडियो में कॉपीराइट आएगा। चलो रेडी? हाँ रेडी। चलो बैठा नहीं ना, वही पीछे नहीं ना बैठा। मम्मी के फोन में हो गया है बड़ा प्रॉब्लम। हम लोग ना एक साल के लिए रिचार्ज करते हैं जियो में, 2300 का कुछ ऐसा पैक रहता है। तो मम्मी का रिचार्ज हो गया है, पैसा कट गया है, पर प्लान एक्टिव नहीं हो रहा है। तो पैसा गया किधर वो समझ में नहीं आ रहा है कि पेटीएम में है या जियो के अकाउंट में गया है, माई जियो ऐप से किया था या मम्मी के अकाउंट में आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मम्मी दो दिन से नेट नहीं ऑन कर पा रही है, बहुत मुश्किल तकलीफ में। तो इसीलिए इधर आया है इशू को सॉल्व करने के बाद हम लोग इको पार्क जाएंगे। काका अल्टीमेटली रिफंड हो गया है, बैंक में आ गया है, पर मम्मी का नेट बैंकिंग नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। और एसएमएस नहीं आता है? कभी कभी आता है, नहीं आता है, ऑकेशनली आता है। अभी दिवाली चल रहा है ना, तो इसलिए छुट्टी पे। तो फिर से रिचार्ज करो, दिवाली में छुट्टी चल रहा है। मैं खुशी है, मैं मम्मी 5 दिनों से बात नहीं कर रहे और वीडियो গুলো দেখতে পাচ্ছি না, সবচেয়ে বেশি কষ্ট। ফোন কোন আমাদের একটা নেট এসে নেট মা নেট এসে হ্যাঁ এসে খুশি হ্যাঁ এই যে চলছে क्या अभी दिन आ गया। देखो मम्मी पापा लोग अगर इंटरनेट नहीं रहते मतलब उनका मुंह ऐसा रहता है। तुम एक बार টাকা তুলে নাও। টাটা টাটা নিয়ে যাও, টাটা তুমি দিও বাবা, সাবুই দিয়ে যাও। হ্যাঁ সাবুই দিয়ে যাও। টাটা হ্যাঁ बारे में और क्या बोलूँ गाइस। सो हम लोग पहले, मैं वही बोल रही थी अनिर्वाण को, पहले हम कितना कुछ इधर पे आके सोचते थे शादी से पहले। और ऐसे अनिर्वाण ऐसे बोलता था, देखो एक साल ऐसे बीत जाएगा, एक साल पहले हमारा शादी तय हो गया था, एक साल पाँच साल बीत गया। उससे बोला, मैंने बोला ऐसे बीत गया एकदम। तो मैंने बोला क्यों बोला, एक साल के लिए बोलना चाहिए तो 5 साल बीत गया। कैसा अजीब फीलिंग्स हो रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। सो फिलहाल हम लोग चलते हैं, बुली जी आ चुकी है और सब बैटेलियन लेके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अनिर्वाण का शायद फिर से भाई फोटा होगा। और एक दीदी मेरा, वो भी आ रही है। चलो चलो दी कल आ नहीं पाई थी तो आज आई थी। और बुली दी, डॉली दी, बच्चे लोग पीछे से, बच्चे लोग बहुत बड़े हो गए। बोल तो चैनल का नाम तो बोल 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 राजोस ट्रैवल व्लॉग। वो बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, आप लोग देख सकते हो। सो फिलहाल अभी हाँ बोलो बोलो। हाँ, हम यूट्यूब में बच्चे लोग के लिए, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए पढ़ाई के वीडियो बनाते हैं। टीचर है बोली दी। सो आप लोग देखना, सबके चैनल देखना। सो फिलहाल हम लोग इधर से निकल रहे हैं, मैं जा रही हूँ पिशिरबाड़ी और सब लोग जा रहे हैं राजा हाट न्यू टाउन। चलो बहुत अच्छा लगा सबके साथ, बाय बाय।
देखो फोन मिल गई रास्ते में কোনটা যাই জানো ওই যে রিকশা রিকশা নিনি রিকশাটাকে বল না ওখানে রিকশা আছে ওই যে রিকশা অনির্বাণ কো দেখা एक्चुअली নিনি কা আনে কা বাত থা পর অনির্বাণ কো দেখ গিয়া দেখা কি সেম টু সেম হ্যাঁ না প্রচুর টাকা বলে কি ওনার প্রচুর টাকা ডাবল ভাড়া নিন হ্যাঁ নিনি বলছে ওনার প্রচুর টাকা ডবল ভাড়া নিন কে বলছে এই যে আরে ভগবান কোন কমেন্ট না কি বেলটা বাজিয়ে দি আসলো ভালো করে অত তাড়াতাড়ি ঘুরলে হবে না এ অনেক জায়গায় গেছে স্যানিটাইজ করে ভালো করে पीसी का शुरू हो गया पीसी इतना खिलाती है ना इतना खिलाती है और हमारा जो पिशमाशाई कभी कैमरा के सामने नहीं आते हैं बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं जब हम लोग आते हैं पिशमाशाई खाना बनाते हैं बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं और ये शुरू हो गया ये सब निन्नी के लिए है जब भी आते हैं तभी बोलते हैं कि मुझे ये वो ये लोग सिंगारा ले आए हैं मनुष्यता अनिर्वाण तो पीछे मुझे कह रहा है कि कल सिंगारा का चचुरी अभी सिंगारा कड़ी ভালো করেছে আলু ভাজাটা কত কিছু রান্না করেছে আমরা বলেছিলাম শুধু ডিমের ঝোল ভাত খাবো মাছ টাছ পাবদা মাছ সব জিনিস করে নিয়ে দিচ্ছে আবার কি করবে নিন্নি ইতনা হরি মির্চ খাতি হ্যাঁ না খাও ভালো না তুমি চাইলে আমি দিলাম খাই আমি খাও ভালো না এই বলছো নিন্নি আরো লঙ্কা লাগবে আরো ও আরো পাঁচ একটু মাংস বাদ বলেছে পিসি ইতনা সারা খানা কিউ বানায়া কিউ দেখো আরে কুক তো পিসে বসাই পিসি ও পিসে বসাই নে বানায়া সা তা কাছে না সেসব বাড়ি অর্ডার এলে পারবো না বাবা তখন আবার খুকুমানি কে পাঠাতে হবে খুকুমানি হোম ডেলিভারি হচ্ছে না খুকুমানি পিসে বসাই ইতনা ইতনা আচ্ছা খানা বানায় বহুত আচ্ছা খানা বানাতে হ্যাঁ পিসি খাতা মানে বাট ডাকতে হ্যাঁ হোম ডেলিভারি নেই নেই সকে ভাই খাবে না তোমরা আমাদের বাড়িতে আসবে এরপর হায়দ্রাবাদ बज रहे ऑलमोस्ट गाइज सो आप सुन रहे हो सो शुक्र है कि आज संडे है सैटरडे संडे अनिर्बन का छुट्टी रहता है और उसने दुर्गा पूजा में छुट्टी लिया था उसको दिवाली पे छुट्टी नहीं मिला था तो क्या होता मतलब कैसे वो मीटिंग करता मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच गए हो अरे वो काली पूजा में चलता है और 12 साल तक काली पूजा है ना तो थोड़ा तो होगा ही हमारे घर के ना इधर पे पूजा होता है उधर पे पूजा होता है मतलब ऑलमोस्ट 50 मीटर के अंदर ही रहता है तो दोनों तरफ से गाना चल रहा है तुम्हारा वॉइस जा रहा है हाँ ऊपर से क्या है इतना साउंड है तो मम्मी पापा टीवी का वॉल्यूम और ज्यादा करके रखा है तो उसको भी सुनना है ना टीवी का सीरियल तो घर में आके ऐसा लग रहा है तुमको डांस करना है तुम ही चले जाओ गुड मॉर्निंग गाइस सो कल इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कान को ऐसे करके बैठूं पर ठीक है चलो हो गया सब कुछ सो अभी फ़िलहाल मैं सब कैलकुलेट कर रही हूँ क्योंकि कल ना बहुत सारा मेहमान आने वाला है 10 लोग आने वाले हैं सो क्या है कि मैं कर लेती हूँ अगर हैदराबाद ही घर होता तो मैं ऐसे चुटकी में कर लेती पर इधर पर सब कुछ अलग जगह पर है फिर ऊपर नीचे का एक प्रॉब्लम है सो मैं थोड़ा सा हिसाब कर रही हूँ कि क्या क्या कितने कितने क्वांटिटी में लाना है तो अभी मैं और अनिर्बन बाज़ार जाएंगे और सब लेके आएंगे कल आ रहे हैं मेरे सारे ननद उनके बच्चे मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं और उन एक दीदी का हस्बैंड आ रहे हैं और हम घर का सब ऐसे मिलके अच्छा मतलब
मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एवरी डे मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी के घर जाए, कोई हमारे घर आए, ऐसा चलता रहना चाहिए। और क्या क्या बाकी है? अच्छा चिकन लेना है। पीस का मतलब छोड़ ही दो, ले इधर से ले ही नहीं सकते। फ्रोजन लेना है, चलो। কত লাগবে জলপাই? ফুলাবে তোমার কি 50 টাকা হবে? 8 টাকা জোড়া পড়ছে না, 80 আর হচ্ছে 90। কি দাম বাপ রে। तो मार्केट से आते ही सब शुरू हो गया एकदम। आलू का? हाँ आलू का दिखी था जान की। सो आते ही मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है अदरक लहसुन अनियन और दही डाल के। तो ऐसे मैरिनेट करके 2-3 घंटा अगर आप फ्रिज में रखते हो तो उसके बाद ना चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आज एकदम मतलब धमाधम चल रहा है मेरे लाइफ में, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख रहे हो ना इतना सारा कपड़े फपड़े, क्योंकि मैं एक साल में जब भी आती हूँ ना, कभी कभी ऐसा रहता है कि बारिश हो रहा है, ज़्यादा धूप है, उस टाइम पे इन सारे चीज़ों को छत पे नहीं रह सकती हूँ। तो अभी ऐसा टाइम है कि धूप जो है ना, जैसे बहुत सारे पुराने जरीदार वर्क रहता है ना, जैसे बनारसी साड़ी ये वगैरह, उसको आप अगर एक साल में एक बार असली धूप में नहीं डालते हो ना तो वो फट जाते हैं। ये मेरा शादी का है, इसीलिए सारे कपड़े को मैंने छत पे दे के रखा था। ये देखो, ये मेरा शादी का साड़ी, ये रिसेप्शन का, ये अनिर्वाण का मम्मी ने दिया था, यहाँ पे सारे जरीदार वर्क की साड़ी, इधर पे सारे विंटर के चीज़ें, अनिर्वाण का एक ब्लेज़र, ऐसे सब चीज़ ऐसे टांग के रखा है। अभी देखो शाम हो गया है, 4:30 बजे शाम हो जाता है, तो अभी सारे चीज़ों को उठा के लेके भी जाना पड़ेगा। सो गाइज, बहुत देर बाद मैं मिल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कल का प्रिपरेशन ले लिया है, चिकन बना लिया है, फुल पूर बना लिया है, कड़ाई शूटी का मतलब कचौड़ी बनाने वाली हूँ, इतना ज़्यादा मतलब 500 अमड़ा का चटनी बना लिया है, रात के डिनर के लिए ऑमलेट बना लिया है। सो फिलहाल मैं थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियो नहीं जाएगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।